पहले तो वेरी बिग थैंक टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और हमें आगे आके पब्लिक तक पहुंचने का मौका मिला। मुझे ये अवार्ड एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिया गया है। मैं पिछले 14 साल से एनवायरमेंटल क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आज तो सबको पता है कि कार्बन एमिशन और क्लाइमेट चेंज ये सारी दिज आर बिकम द बजवर्ड, और उस पर अगर आज हम काम नहीं करेंगे तो वी विल रीच द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके बाद में डिस्ट्रक्शन इज़ दी ओनली ऑप्शन, और अगर उसे रोकना है तो हर इंसान को पर्यावरण क्षेत्र में काम करना चाहिए, जितना हो सके कार्बन एमिशन कम करना चाहिए। और उसी क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ पिछले 12-13 सालों से। और हमने जो एक विषय चुना है वो एक अनोखा विषय है, वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जितना कूड़ा कचरा जो होता है उसका प्रोसेसिंग करना, ये हमारा मेन काम है। हर सिटी में बहुत बड़े बड़े डंप साइट्स हैं, करोड़ों मेट्रिक टन वेस्ट वहाँ पे पड़ा है और उसको हमें ख़त्म करना है। ये हमने एक संकल्प किया हुआ है और उसके लिए हमने एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन डिज़ाइन किया हुआ है जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी प्रेजेंट किया है, और मेरे हिसाब से वो बहुत ही जल्दी हम पब्लिश करेंगे और जितने भी डंप साइट्स हैं वो हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डंप साइट जो है 24 घंटे कार्बन एमिशन कर रही है और उसे कहीं ना कहीं रोकना बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर इंसान की ये जिम्मेवारी बनती है कि अपना कूड़ा कचरा जो भी है उसका वो खुद ख्याल रखे, मैनेज करे, और मेरा कचरा मेरी जिम्मेवारी ये जो स्लोगन है उसे अपना लें। This award function is very motivating because at the end of the day what you're looking at is a little bit of motivation in the day-to-day life, and this is just the feeling of, I mean, it's a great award, everything is very nice, but even gives you that slight push, like, I feel good, I'm doing something right. Thank you. Well, I'll let Shanti Priya speak about it. We're into diamonds, lab-grown diamonds. It's called CVD, chemical vapor deposition diamonds, which basically were created by man. We take the diamond, we slice it, and we recreate the growth. So basically, it's eco-friendly, it's karma-free, and at the same time, it's husband-friendly. You save good money, very good money. इस तरह से कंपनी का नाम भी डायमंड्स है और आज डायमंड जैसे डायमंड से अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया गया, कैसे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्टेज पे जितने लोग थे वो डायमंड्स ही थे जिनको डायमंड्स दिया गया? हाँ, बहुत खुशी लगा है उन सबको देख के, उनका चेहरा में और हाथ में डायमंड्स मिल के बहुत खुशी है, उनका मेहनत का फल मिला है। आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहूँगी, किस तरह से वर्क कर रही है और क्या आगे क्या कुछ उनके और भी क्या गया है? मेरा कंपनी मैं एक्ट्रेस हूँ, सो आई एम अभी मैं फ़िलहाल सितंबर में दारा भी बैंक करके एक OTT MX प्लेयर में रिलीज़ हो रही हूँ, सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय उसमें है, और दूसरा मैं बायोपिक कर रही हूँ सरोजिनी नायडू के ऊपर, जिनका उनका किरदार कर रही हूँ सरोजिनी नायडू जी का, और तीसरा मैं धनुष के साथ एक साउथ इंडियन मूवी कर रही हूँ पैन इंडिया का, ये सब पैन इंडिया पिक्चर्स है। देखो, लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस दिन आप जन्म लेते हो, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है उसका पर्पज़ क्या है पता चलता है। तो मैं ये समझता हूँ अगर आपको पता चल गया कि आपका पर्पज़ क्या है लाइफ का, तो उस दिन एक बहुत सेलिब्रेशन दिन होता है, तो लोगों को पता चलता है कि वो किस चीज़ के लिए एलिजिबल है जो अवार्ड मिलता है किसी को। तो मुझे लगता है कि किसी को भी अवार्ड मिले लाइफ में तो एक उसी लेवल के लिए एलिजिबल है, और उस चीज़ को अच्छे से यूज करें ना, जो भी अवार्ड मिलता है सभी जगह पे वायरल करना है, सभी लोगों को बताना है, तो उसको अच्छे से यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये उनको बेनिफिट दे सकता है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीबडी, हेलो हेलो ऑल दी रिपोर्टर्स, ऑल दी व्यूअर्स, जो भी वॉच कर रहे हैं, एवरीबडी हेलो 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 एवरीबडी दिल से। एंड आई एम हियर एट इंडियन सागा स्टार अवार्ड्स, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे आज पहली बार, हमेशा आर्टिस्ट को, स्टार्स को अवार्ड दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस मैंस को एंड बिजनेस पर्सनैलिटीज़ को भी अवार्ड दिया गया है, तो वो इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज इसी से बिजनेस बढ़ता है, कॉर्पोरेट लेवल बढ़ता है,
है, इसी से काफ़ी सारे बिजनेसमैन, न्यू बिजनेसमैन यू नो कम, वो लोग आते हैं मंच पे आते हैं और उन लोगों को ये मोटिवेट करता है. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड मैं नॉट ओनली एज एन एक्टर बट मैं एज अ बिजनेस मैन ऑल्सो आई एम न्यू इन टू बिजनेस, बट ये मुझे मिला है मेरे जो नया जो मेरा स्टोर खुला है, फ़ोन का शोरूम खुला है वाशी में, नवी मुंबई में, तो उसके लिए मिला है. जो मेरा नया आउटलेट है वाशी में वो बहुत कम टाइम में हुआ है, बट उसको बेस्ट मोबाइल आउटलेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा है. बहुत सारी सेलिंग्स है फ़ोन्स के, तो मेरे सारे फैंस फ्रेंड्स जो भी मुझे देखने आते हैं लेकिन आके फ़ोन खरीद लेते हैं. सो सारा टाइम तो मैं नहीं रह पाता, बट जब भी रहता हूँ सबको मिलता हूँ, सबके साथ पिक्चर्स वगैरह बांटता हूँ, काफ़ी सारे टाइम स्पेंड करता हूँ. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी. हाई गाइज, माय नेम इज स्फूर्ति एंड आई एम एन ऑथर. I'm an international motivational speaker. I go speak at biggest of the events. I do talks on leadership. I do talks on lot of human development processes. Yeah. Rajeshi, aaj kis category ke liye aaj aapko is award se sammanit kiya gaya hai aur kya lagta hai ye award kitna maane rakhta hai aaj is hall ke andar se le jaane wale sabhi ke liye? Actually sabhi ke liye maane to bahut rakhta hai kyunki sabki apni apni mehnat hai aur usi ki wajah se sabhi ko award mila hai. एंड इवन ये मेरे हस्बैंड की मेहनत की वजह से मुझे मिला है. एक्चुअली में इनका सपोर्ट है हमेशा और रहेगा मेरे साथ में. एंड विदाउट हिम आई एम नथिंग एंड प्राउड टू बी हिज वाइफ आई एम. एंड बस अभी मैं चाहती हूँ कि ये कुछ बोलें थोड़ा सा कि बट इन लोगों ने बहुत मेहनत की है सभी लोगों ने मिलके और रात दिन एक करके आई थिंक सक्सेस किया है इसको. सभी को पसंद आया है ये और आगे भी करते रहेंगे और आप लोग की ब्लेसिंग मिले इसी तरीके से, सबका साथ मिले और अवार्ड्स वैसे ही चलते रहेंगे. किस तरह से सम्मान को आप देख रहे थे ऑर्गेनाइज किया तो क्या लगता है कितना सक्सेसफुली आज ये अवार्ड यहाँ पर? मुझे लगता है आप लोग भी देखा होगा क्योंकि पूरा सक्सेसफुली हुआ है. स्लो में सारे पार्टिसिपेंट भी थे और सब खुश होकर के गए. लास्ट भी हमने 7 मई को बैंगलोर में हुआ था जो गोविंद जी को लेकर किया गया था, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था. और हमारी ये सोचा कि आगे भी ऐसे ही इस तरह के हम इवेंट्स करते रहें. जितने भी पार्टिसिपेंट थे मेरे ख्याल से जिनमें अवार्ड दिया गया है सभी उसके हकदार थे. कम थे लेकिन वो जो हकदार थे उन्हें ही दिया गया. मेरा तिरंगा रेस्टोरेंट है उसके लिए मुझे बेस्ट रेस्टोरेंट का अवार्ड मिला है. बेस्ट रेस्टोरेंट एंड बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विस का अवार्ड मिला है मुझे. कितना अच्छा लगता है जब इस तरह से सम्मानित किया जाता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक्स द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी एंड जस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट event. We enjoy the event, we enjoy with this all the hospitality what you have provided. So we are really thankful on behalf of Tiranga. We are really thankful to organizing committee. My name is Amy Adlakha and I've received this Saga Star Awards by Vivek Oberoi today for best female realtors in Pune city. We deal in residential, commercial properties all over Pune city, Mumbai and Delhi as well. Thank you very much. As a guest, aap ke mein Indian Saga Award mein pahunche, kis tarah dekha aapne is tarah se jab logo ko award dekhe honge unhe aur motivate karte hain, kis tarah aap dekhte hain? वैसे तो मेरा ये पहला अटेंडेंस था कि जो कि लोग मोटिवेट करते हैं लोगों को और उनका उनके लिए जो ऐसी संस्थाएं काम करती है तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. इससे लोग और मोटिवेट हो जाएंगे और आज और समाज की सेवा करेंगे इसका मुझे पूरा विश्वास है. इसलिए सागा कंपनी है, ये जो स्टार अवार्ड सागा कंपनी है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है. क्या कहना चाहेंगे आज आप इस जिस तरह से मुंबई से पुणे पहुँचे हैं द सागा स्टार अवार्ड में, किस अवार्ड से किस कैटेगरी से आज आपको देखिए बेसिकली तो ये कंपनी हमारी है इंडियन सागा अवार्ड. ये मेरी कंपनी है मनीष हम सब लोग पार्टनर्स हैं और बिगनिंग से ही हम तरह तरह के शोज़ करते आए. पहले हम फैशन शोज़ करते थे और ये हमारे शो की कड़ी है. इसमें हम क्या करते हैं डिफरेंट लोगों को इनवाइट करते हैं. तो आज जो मुझे अवार्ड दिया गया तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, मेडिटेशन कोच हूँ,
तो उसके लिए मुझे यहाँ सम्मानित किया गया और हमने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया यहाँ, और विवेक ओबेरॉय जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया। तो ये अवार्ड हम इसलिए देते हैं एक्चुअली में, इससे क्या है आदमी को अप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप साल भर मेहनत करते हो और आपको एक ट्रॉफी एक अवार्ड दे दिया जाए ना, तो आप ज़िंदगी भर सजा कर रखते हो। तो वो एक ऐसा तमगा है जो हमेशा आपका जोश हौसला और उत्साह बढ़ाता रहता है। योगेश भारद्वाज। योगेश जी, आज आप पुणे पहुंचे हैं मुंबई से, किसके लिए आज आपके सम्मान से सम्मानित किया गया है इंडिया सागा अवार्ड? मैं हम लोग गारमेंट्स इंडस्ट्री में है, लास्ट 28 ईयर्स से हैं और बहुत ग्राउंड लेवल से हमने काम स्टार्ट किया हुआ है, और धीरे धीरे करके अभी हमने रिटेल काउंटर में कुछ चैन स्टार्ट किए हुए हैं, कुछ 9 रिटेल काउंटर मेरे नवी मुंबई में हमारे हैं, और पहले से काफ़ी अच्छी हमने ग्रोथ की है और ग्राउंड लेवल से हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल बिजनेस को। सपोर्ट तो मीन्स ये था कि मेहनत पे लगे रहे और अच्छा डायरेक्शन मिलते रहे, अच्छे लोग मिलते रहे, और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर कंटिन्यू। अवार्ड पाने के बाद आपके अंदर का जोश और उत्साह और कितना ज़्यादा बढ़ रहा है? जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर आए थे और अभी जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में और अच्छी अचीवमेंट करें वही साथ लेके जाएंगे डेफिनेटली। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राकेश भारद्वाज है। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आज आपको सागा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये अवार्ड आपके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है? ये हमारे लास्ट जो हम 25 ईयर्स से हम गारमेंट्स के बिजनेस में हैं, तो ये उसका हमारा रिवार्ड है। जैसा योगेश भाई ने बताया कि फैशन जंगल हमने स्टार्ट किया लास्ट 20 ईयर्स पहले हमने स्टार्ट किया था, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ हम लोग ये बिजनेस को ऊपर अभी लेके आए हैं। लास्ट अभी कलमबोली में 9 वाली शॉप्स हैं और काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। आज आप पुणे में जो ऑर्गेनाइज किए जब सागा इंडिया अवार्ड, किस तरह देखते हैं विवेक ओबेरॉय के हाथों जिस तरह से यहाँ पर लोगों आए हुए गेस्ट से सम्मानित किया गया? जी, बेसिकली हम लोग का विजन है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन एंटरप्रेनर्स हैं, जो अचीवर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको एक अच्छा मौका मिले, उनको एक मोटिवेशन क्रिएट होता है उससे, और एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक सेलिब्रिटी के एंडोर्समेंट उनके ब्रांड के लिए, उनके फेस के लिए उनको यूजफुल रहता है उनके बिजनेस में। तो बेसिकली नेटवर्किंग इवेंट था, और अच्छा लगता है कि हर सिटीज़ में, हर स्टेट में अलग अलग बिजनेस मैन, अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं और उनके साथ एक बॉन्ड बनता है। तो सागा स्टार अवार्ड्स का विजन है कि ऑल ओवर इंडिया, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड, सारे ऐसे कम्युनिटी क्रिएट करें और लोगों को मोटिवेशन और अचीवर्स को अवार्ड दें, फेलिसिटेट करें। आपकी कितनी कोशिश रहेगी कि जो इस अवार्ड को डिजर्व करते हैं उन लोगों तक ही अवार्ड जाए? ओके, बेसिकली हमारा एक फिल्टरेशन प्रोसेस था ये शो होने के लिए। 1 मंथ पूरी टीम ने मेहनत की है, काफ़ी लोग हैं एंड काफ़ी बिजनेस में जुड़े हैं, इसमें एक नेटवर्क क्रिएट हुआ। मेन मोटिव इसमें है कि एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी हो, एक मीडिया में बज हो, ऑफकोर्स थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू द सेलिब्रिटी वी हैड। थोड़ी सी कोशिश थी हमारी कि सेलेब ग्लैम हर एक ब्रांड को मिले जो डिज़र्व करता है, छोटे से बड़े ब्रांड को, तो वो आई थिंक हमने अचीव किया एंड द टीम वॉज वेरी सपोर्टिव फॉर इट। दैट्स ऑल अबाउट।